ट की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस ये दोनों बच्चे हेल्प कर रहे थे मोना और राजू अपनी मम्मी की घर को साफ करने में लुक एंड ऑल दीज थिंग्स क्लोथ यूटेंसल मतलब बर्तन फूड ग्रेन कॉम्ब द बोटल ऑफ हनी बुक्स ईच ऑफ दिज हैज एज हर किसी का हर सामान का यूज है मोना That इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ का अगर यूज है तो वो इम्पोर्टेंट है सैड अम्मा ने कहा इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ तो यूज है ही है तो उनकी अम्मा ने कहा कि यूज जब तो ये ज़रूरी है इम्पोर्टेंट है दीज आर रिसोर्सेज व्हाट इज़ रिसोर्स अब इनके मन दिमाग में आ गया वाज राजू इज क्वेश्चन टू अम्मा राजू ने अपनी ममा से क्वेश्चन पूछा कि रिसोर्स क्या है एनी थिंग देट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ रिसोर्स कोई भी ऐसी सामान कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जरूरत को पूरा करने में हेल्प करे वो रिसोर्स है रिप्लाइड अम्मा अमा ने कहा कि कोई भी सामान कोई भी चीज़ जो हमारी जरूरतों को पूरा करे लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स जितनी जरूरत की चीज़ें हैं सब हमारे लिए रिसोर्स हैं द वाटर यू ड्रिंक वन यू आर थ्रस्टी द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन यूर हाउस रिक्शा यू यूज टू गैट होम फ्रम स्कूल द टेक्सट बुक यू यूज टू स्टडी और ये सब रिसोर्स है मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई भी यूज है हमारे लिए तो वो हमारे लिए रिसोर्स है योर फादर हैज प्रिपेयर टेस्ट स्नैक्स फॉर यू द फ्रेस वेजिटेबल ही हैजूज फॉर वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल टेक्सट बुक एंड समथिंग इन द कॉमन दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू ये सारी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं सो दे हैवटिलिटी मतलब यूज़ कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी है यूटिलिटी या यूजेबिलिटी इज़ वाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स यूटिलिटी या यूजबिलिटी जो भी है उस सब्सटेंस की वो बताती है वो उस कितना वो रिसोर्स कितना कीमती है हमारे लिए हाउ डज समिंग बिकम ए रिसोर्स कोई भी चीज़ की रिसोर्स कैसे बनती है राजू नाव वॉन्टेड टू नो राजू आप जानना चाहता था अम आ टोल द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली वैन दे हैव ए वैल्यू कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनते जब उसकी कोई वैल्यू होती है वैल्यू मतलब अब वो हमारे किसी काम की हो तो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव अस गिव्स इट ए वैल्यू जो उसका यूज है उसी जितने जिसका जितना यूज उसकी उतनी ही वैल्यू ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू अम्मा ने कहा हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है वैल्यू मीन्स वर्थ सम रिसोर्स है इकोनॉमिक वैल्यू सम डो नोट फॉर एग्जाम्पल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट मतलब किसी चीज़ की वैल्यू है कोई जैसा हमें एक सीन देख रहा है तो उसकी नहीं है कोई किसी प्लेस की ऐसी नहीं है बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई यू मैन नीड देखो हमारी जरूरत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो कुछ की वैल्यू कम है कुछ की ज़्यादा है बट है सब की सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज है नो कमर्शल वैल्यू टूडे जो घर पर हम नुस्खे चलाते रहते ना उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं मतलब, है मतलब उनके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिलता बट इफ दे आर पेटेंटेड अगर उन्हें हम पेटेंट करा के बेचते हैं सोल्ड बाई ये मेडिकल फिम फिर टुमारो देम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम उसे पेटेंट करा के मार्केट में बेच दें उस सामान को तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू होगी पेटेंट का मतलब इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन मतलब जैसे कि हल्दी का कुछ क्रीम बना के हम बेचना शुरू कर दें और उस फार्मूले को हम पेटेंट करा लें इसका मतलब उससे फिर कोई और नहीं बना पाएगा तो इस ऐसे कहते हैं पेटेंट हमारा कोई इनोवेशन है इन्वेंशन है या कोई आइडिया है अगर हमने उसे पेटेंट करा लिया तो उसे कोई दूसरा उस चीज़ को नहीं बनाएगा तो ये पेटेंट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स सब्सटेंस रिसोर्स में बदलने में टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों का ही योगदान है टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दट लेटेंट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स टेक्नोलॉजी मतलब जो आज करंट में जो चल रहा है उस नॉलेज को लगा के चीज़ों करना बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल दोनों का रिलेशन इंसान से है पीपल दे एम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इंसान खुद भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है इट इज़ देर आइडिया नॉलेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बोर रिसोर्स इंसान भी एक रिसोर्स है इट इज़ देर आइडिया इंसान के पास है क्या आइडिया है नॉलेज है इन्वेंसन है डिस्कवरीज़ है That led to the creation of the more resources each discovery or invention led to many other the discovery of fire led to the practice of cooking and other process while the invention of the wheel the discovery of fire led to the practice of cooking and other process while the invention of the wheel ultimately resulted in development of न्यूर मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट जब पहिये की खोज हुई तो ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ने लगे द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इंपॉर्टेंट रिसोर्स